अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अब के हम पिछड़े। तू ना तो अच्छा शौहर बन पाया और ना अच्छा बाप। तुम फिर मारो मारो, रुक क्यों गए? आज ये ख्वाहिश भी पूरी कर रहे हो तुम? और तुम, तुम्हारा क्या? ये नहीं सोच रहे वो तुम किसके साथ रहोगी, कहाँ जाओगी? क्या पुरुषा, 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 अरे कोई पानी पानी आगे लो, सीधे करो, सीधे करो। उमर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना उमर, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर मौत नहीं करूंगी, याद रखना। तमसील, उरुसा मेरी भी कुछ लगती है, मेरा भी उससे कोई रिश्ता है। उमर, किस रिश्ते की बात कर रहे हो? तो अपनी बेटी की हिफाजत तक नहीं कर सके तो जो ना तो अपनी बीवी का रिश्ता संभाल पाए और ना ही अपनी बेटी का। तुमसे बहस में ना मैं कल जीत सका था और ना आज जीत सकता हूँ। तुमसे उलझने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दुआ मांगू। दुआ तो मांगो उमर कि मेरी बेटी बच जाए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस तक जाऊंगी मैं। तुम इस वक्त होश में नहीं हो तमसील, ये वक्त उरुसा के लिए दुआ करने का है, ना कि जज्बाती होने का। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत चाहिए उमर, कुछ भी हो। मेरी बेटी की जान बचा। पेशेंट के फादर कौन है? जी मैं हूँ, मेरी बेटी कैसी है? जी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? जी आप दुआ करिए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्या आता है रिदा? कल से उसे वो कॉल्स कर रही हो, वो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही। तो कॉलेज में मुलाकात हुई होगी ना? नहीं ना, आज आई नहीं, सोचा था जाकर उसको बर्थडे विश कर दूंगी। आपको पता है उसे इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट भी मिस कर लिया, मुझे फिक्र हो रही है, जरूर उसके घर पे कोई ना कोई बात हुई होगी। क्या मतलब? उसके पेरेंट्स के दरमियान हमेशा कोई ना कोई मसला रहता है। आपको पता है हादी भाई, कल वो बता रही थी कि उसके पेरेंट्स अलग होने वाले हैं। तो उरुसा उसका क्या होगा? पता नहीं, उसके बाबा कह रहे हैं कि वो उनके साथ रहेगी और मामा कह रही है कि वो उनके साथ रहेगी। तो उरुसा वो क्या चाहती है? वो बेचारी चाहती है कि वो दोनों एक हो जाए, उनके दरमियान मोहब्बत देखना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती उसके माँ बाप को तो सिर्फ अपनी फिक्र है। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोगों को अब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किसी भी किस्म का कोई डिप्रेशन नहीं देना होगा, वरना ये दोबारा ये अटेम्प्ट कर सकती हैं। डॉक्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी,
चलो देख लेते, आ जाओ। क्या हुआ बेटा, बात हो गई उरुसा से? जी, वो उरुसा का फोन उसके बाबा के पास है, बता रहे थे उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए शायद 2-3 दिन तक यूनिवर्सिटी भी ना आए। क्यों बेटा, क्या हुआ उसकी तबीयत को? पता नहीं अम्मी, अब जब मिलूंगी तभी पता चलेगा। अल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो जाए बेचारी की, आमीन। वाह भाई, बड़े कोई पकवान पकाए जा रहे हैं, क्या हो गया? सब खैरियत तो है भाई? हाँ भाई, रिश्ते वाले आ रहे हैं रिदा को देखने के लिए, और पता है लड़का भी साथ होगा, इसलिए आज तुम घर पर ही रहना, सारी बात तुमने और तुम्हारे अब्बा ही नहीं करनी है। वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी ना, आखिर बेटी का मामला है ना। shaadi.com अम्मी, चलो भाई, इसी बहाने इस लड़की से हमारी जान छुट जाएगी। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको हादी भाई। अम्मी, हादी क्यों बहन को सता रहे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं भाई। अरे मत लड़ो। सलाम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मैं बाहर से होकर आता हूँ। जी अब्बा, अभी लेके आती हूँ। क्यों बचाया मुझे? किसके लिए बचाया मुझे? आपने मुझे अपने लिए बचाया या आपने अपने लिए बचाया? अब मैं किस तरह तकसीम होंगी आप मुझे ये बता दे। मेरी जान, मेरे बेटे ऐसी बातें नहीं करते। मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। अब हटे मैं रास्ते से। उरुसा, मेरी बात सुनो बेटा। जो सुनना था मैं सुन चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना और ना जीना है। देखो तुम्हें जीना होगा अपने माँ बाप के लिए। मुझे किसी एक के लिए नहीं जीना। बेटा ऐसा कौन कह रहा है? मैं और तमसील तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे डिवोर्स का मतलब पता है। किसने कहा है तुम्हें कि हमारी डिवोर्स हो गई है? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हदस सुना है मेरी जान, हम तो बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिवोर्स लेने का सोच रहे थे, लेकिन आई प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू मेरी जान, मैं तुम्हारी मामा को कभी नहीं छोड़ूंगा, डिवोर्स नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। ऐसा कभी नहीं करना, हमारी पापा मर जाए, हमारे बगैर नहीं जी सकते। प्लीज। तबीयत कैसी उरुसा की? हाँ आप ठीक है, सॉरी। तुमने खाना खाया? नहीं मुझे भूख नहीं है। थोड़ा खाना खा लो वरना तुम्हारा बीपी डाउन हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, तुमने उरुसा से झूठ क्यों बोला? क्या हमारी तलाक नहीं हुई थी? उसे सच कैसे बता सकता था? तुम जानती हो कि वह हम दोनों के बारे में कितना पोजेसिव है। मैं उसे सच बताकर मजीद डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता था। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, उरुसा अभी स्टेबल नहीं है और हमें उसके सामने पटेन करना पड़ेगा कि हम अभी भी मियाँ बीवी हैं। तुम मानो या ना मानो, गलती हमारी ही है तमसील। हमने उरुसा को खुद से दूर कर दिया। जो वक्त हमें उरुसा को देना चाहिए था वो हम उसे नहीं दे पाए, हम उसमें नाकाम रहे। तो हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहे और मैं अपने लाइफ स्टाइल और किटी पार्टीज में, हमने उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। रिश्ते पालने के लिए
सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है तमसी, मोहब्बत और वक्त भी चाहिए होता, जो हमारे पास था ही नहीं। एक और बात तमसी, प्लीज उरुसा के सामने अपने गुस्से को अवॉइड करना। तुमने खाना खाया? अच्छा, मैं रुखसाना से बोलती हूँ तुम्हारे लिए खाना न खा दे। और तुम? मैं अपने कमरे में खाऊं। हमें तो रिदा बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझे। बहन आपकी क्या राय है? एक दफ़ा आप रिदा से पूछ ले हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी है। हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है, लेकिन आखिरी फैसला तो रिदा के अब्बा ही करेंगे। जी एहसन साहब, तो क्या इरादा है आपका? जब आप सबकी यही रजा है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता। तो फिर भाई साहब रिश्ता पक्का ही समझे ना? जी बिल्कुल जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बहन। भी मेरा तो एक ही बेटा है, मैं तो जी भर के रस्में करूंगी। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी खुशी। तो ठीक है, फिर अगले हफ्ते मंगनी रख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि निकाह बेहतर रहेगा, क्योंकि एक साल के अंदर रुखसती तो हो ही जानी। तो फिर ठीक है भाई साहब, 17 तारीख ठीक रहेगी ना? जैसे आप लोगों की मर्जी। लीजिए। अरे भाई वो मिठाई, बेटा मिठाई लीजिए ना। हाँ थैंक यू। बेटा आप नहीं लो ना। हेलो बेटा। मैं तुम्हारी मावा को कभी नहीं छोड़ूंगा, डिवोर्स नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। निकाह? हाँ बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। लेकिन क्यों अम्मी? क्यों का क्या मतलब है बेटा? इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे घर वाले, खाते पीते लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो इकलौता है, सब कुछ तुम्हारा ही होगा। लेकिन मेरी अभी उम्र ही क्या है? अच्छा है, कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, और तुम्हारी सही उम्र तो है। वैसे भी रुखसती तो अगले साल होगी। पता नहीं अम्मा को क्या खौफ है जो मेरी शादी कितनी जल्दी पड़ी है उन्हें। अपनी इज्जत का खौफ है मुझे बेटा, तुम्हारे इज्जत की परवाह है, इस घर की इज्जत की परवाह है, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया। फिर भी अगर तुम्हें अपने अब्बा के फैसले से इत्तफाक नहीं है तो मैं मना कर देता हूं। नहीं अब्बा, मेरा इरादा हरगिज आपको शर्मिंदा करने का नहीं था, और आपने फैसला किया है तो अच्छा ही किया होगा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी दीनदार है, इंशाल्लाह तुम बहुत खुश रहोगी। आप आइए, मैंने बात करनी है आपसे।
उरुसा, ये मेरे भाई हैं, हादी भाई। हेलो जी, वो आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच। मैं फिलहाल कॉलेज नहीं जा रही, जब जाऊंगी तो रिता से कांटेक्ट कर लूंगी। आप मुझे भी बता सकती हैं, आई डोंट माइंड। जी रिता बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो सोचा कि मैं आपकी खैरियत मालूम कर लूं। क्या हुआ? अगर बताने नहीं चाहती तो इट्स ओके, मैं आपके दिल का हाल मालूम करने के लिए हमारी दोस्ती तक इंतजार कर सकता हूँ। ये आपसे किसने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ? क्यों, मुझमें क्या बुराई है? हैंडसम हूँ, इकलौता हूँ। मुझे हैंडसम लड़के नहीं पसंद। तो जैसे पसंद है मैं वैसा बन जाऊंगा, एक बार आजमा के तो देखें हम। मुझे मुझे लग रहा है कि मामा आ रही है, मैं बातों बात करती हूँ। बाय। सुन, जिस बात में आकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तमसी, और तुमने मुझे रोका तक नहीं। तुमने रोकने का मौका ही कहां दिया उमर? उमर भर साथ निभाने का वादा करके बीच सफर में ही साथ छोड़ दिया। मैं तो साथ निभाना चाहती थी, तुम्हारी आना हमारे रिश्ते के बीच में आ गई। अब क्या करूं, क्या करूं ऐसा कि हम फिर से एक हो जाएं? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, बस अपने फैसले पे पछता सकते हो। पछता ही तो रहा हूं। अब के हम पिछड़े। रुखसाना, अरुषा को नाश्ते के लिए बुला लो। क्या लोगे? जो दिन चाहे वो दे दो। गुड मॉर्निंग। आज रात का डिनर हम क्यों ना बाहर करें, क्यों तमसिंह? हाँ, जैसा अरुषा चाहे। आप दोनों चले जाएं, मेरा मूड नहीं है। हमें उरुसा को इस बात का यकीन दिलाना ज़रूरी है कि हमारे दरमियान सब ठीक है। और तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे? हाँ,
तुम्हें बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? गुस्सा सिर्फ मुझे ही आता है? तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है? कभी तुमने अपनी हरकतों पे गौर किया है? कभी नहीं। तमसील, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम उल्टा होकर मुझसे उलझ रही हो। तो और क्या करूं उमर, बस थक गई हूं मैं सब कुछ ये बर्दाश्त करते करते। अब नहीं होता मुझसे, प्लीज। बस कुछ दिनों की बात है, उरुसा कुछ सेटल हो जाए तो उसे हम खुद सब कुछ बता दें। नहीं उमर, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आई डोंट थिंक सो कि उरुसा बर्दाश्त कर पाएगी। उसे बताना ठीक नहीं है। अगर उसने दोबारा वही कदम उठा लिया तो हर हाल में उसे छुपाना होगा। हेलो जावेद यार, किधर है तू? कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा। और ये तो तू पिछले एक घंटे से कह रहा है कि अभी पहुंच रहा हूं, कब तक आ रहा है यार? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। ठीक है चलो, ओके। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? हैंडसम हूं, इकलौता हूं। कहाँ रह गया था यार? यार रास्ते में एसन साहब मिल गए थे, पैदल जा रहे थे बेचारे, मैंने कहा ड्रॉप कर दिया। तू बता, सब खैरियत है? यार मुझे लगता है कि तमसील को तलाक देके मैंने अच्छा नहीं किया। अब तू पछता रहा है? शायद। यार पछता के क्या फायदा, तलाक तो हो चुकी है ना, अब तो किसी सूरत तुम दोनों साथ रह नहीं सकते। अगर मजबूरन एक ही घर में रह रहे हो तो रूसा की वजह से ना, और जिस दिन वो तुम्हारी तलाक की बात डाइजेस्ट कर लेगी ना तो सब क्लियर हो जाएगा। जानता हूं, इसीलिए तो तुझसे कह रहा हूं, एक तू ही है जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। बोल, करेगा मेरी मदद? कैसे मदद? एक ही ऑप्शन है मेरे पास जिससे मैं और तमसील दोबारा एक हो सकते हैं। क्या ऑप्शन? हलाला। और ये हलाला करेगा कौन? हाँ। तो असल में तू हो गया पागल। तेरी जो सोचने समझने की सलाहियत है ना वो खत्म हो चुकी है, जब ही तू बहके बहके बातें कर रहा है। देख, मैं बिल्कुल होश में रहकर बात कर रहा हूं जावेद, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उस गलती का सलूशन भी है मेरे पास। जावेद प्लीज यार, प्लीज यार मान जाना। देख यार, मैं तेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, प्लीज समझने की कोशिश कर यार। तुझे तमसील से निकाह करना ही होगा। तूने इस बारे में तमसील से बात की?
नहीं यार, अभी तक तो नहीं। वाह यार, कमाल कर दिया, सब कुछ अपनी तरफ से प्लान कर लिया तूने। तमसील तो जैसे चाबी से चलने वाली गुड़िया है ना, जिसपे तू चाबी भरेगा वो चलने लगेगी। अरे यार, किस बिहाफ पे बात करता उससे, पहले तो तेरा मानना जरूरी है ना। तू मान जाएगा तो तमसील को भी मैं मना ही लूंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, समझा तू? सोची तक तो ठीक है, लेकिन तमसील से निकाह मैं हरगिज नहीं करूंगा। जावेद, जावेद मेरी बात तो सुन यार, जावेद। जावेद, पुरुषा बेटा कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ मॉम, और कहाँ जाऊंगी? एक दो दिन रेस्ट कर लेती हो रूसा, अभी दो दिन तो हुए तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। मेरी फिक्र करने की कोई खास वजह? इससे पहले तो आपको मेरा कभी ख्याल नहीं आया, मैं कब सोती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कब आती हूँ, कुछ भी तो नहीं पता आपको। कैसी बातें कर रही हो बेटा, आई एम योर मदर। अच्छा, यू आर माई मदर। चले मुझे ये बताएं कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। वो छोड़ेंगे, बताएं मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, वो भी नहीं पता होगा आपको। आप मुझे बताएं कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, कोई आइडिया है आपको? आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट मॉम? जो वक्त मैं आप दोनों के साथ गुजारना चाहती थी वो तो गुजर चुका है, अब बार बार आप मेरे पास आकर मुझे क्यों शर्मिंदा करती हैं? वैसे मॉम, कहाँ गई आपकी वो पार्टीज, आपका स्टेटस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी आज़ादी? क्या हुआ, अब आपका दम नहीं घुट रहा? लेकिन इस वक्त मेरा दम घुट रहा है। What? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे अफसोस इसी चीज का है कि कुछ हुआ क्यों नहीं। तो थप्पड़ लगाऊंगी ना, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। और तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की तो किस लिए? सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे मॉम डैड आपस में डाइवोर्स लेना चाहते हैं? तो तुम अपने आप को इस तरह जानम की आग में कैसे धकेल सकती हो? रिदा, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं रह सकती मॉम डैड के बगैर। और उनको तुम्हारी फिक्र है? बताओ जरा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट रिदा, मैंने मॉम डैड को पहली बार अपने लिए इतना परेशान थी, और मुझे इस बात की खुशी है, और होना भी चाहिए उसा। आखिर कब तक तुम्हारे माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से ही मुंह फेरते रहेंगे? लेकिन मुझसे वादा करो, आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। देखो, मैं अपनी बहन जैसी तुझको कभी नहीं फोना चाहती। आई प्रॉमिस। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि कौन सी गुड न्यूज थी? इस हफ्ते मेरा निकाह है। व्हाट? रियली? I'm so happy for you. लेकिन मैं तुम्हें इनवाइट नहीं करने वाली। क्यों? बहनों को इनविटेशन की जरूरत होती है क्या? Congrats. जावेद, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? साहब, खाना लगा दिया है। तमसील मैडम से कहो कि खा लें, मुझे भूख नहीं है। साहब, उन्होंने मना कर दिया है, कह रही है भूख नहीं है। अच्छा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि रूसा ने खाना खा लिया? नहीं साहब, रूसा मैडम यूनिवर्सिटी से नहीं आई। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आता।
वो देखो, शुक्र है भाई आ गए। ये रही आपकी चाबी। थैंक यू। प्लेजर। ओके रेदा, सी यू टुमारो। बाय बाय। अच्छा सुनो, निकामे जरूर आना। मैं तुम्हारा दिल से इंतजार करूंगा। Come on, भाई, हम लेट हो रहे हैं। बाय। फारूक भाई, नदीम साहब, जमील साहब और जावेद, जावेद को तो फोन ही नहीं किया मैंने। जी सवाल क्या सुन साहब? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? गरम है उस पर परवरदिगार। बेटा वो मैं अपनी बेटी का निकाह कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। तो आप शिरकत करेंगे तो दिली खुशी होगी मुझे। मैं शिरकत की पूरी कोशिश करूँगा। नहीं नहीं, कोशिश नहीं, आपने आना है, हम इंतज़ार करेंगे आपका। अच्छा सही है, मैं ज़रूर आऊँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें, जावेद भी हो गया। मैं तेरे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, प्लीज समझने की कोशिश कर यार। तुझे तमसील से निकाह करना ही होगा। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो। हाँ हेलो, आओ। मुझे पता है अभी तुम अपने कपड़ों को लेकर काफी कॉन्शियस हो गई। अच्छा, और ये आपको कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। और क्या है मेरे दिल में? यही के आदि को कौन सा कलर पसंद है। क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई क्या? वैसे मुझे पिंक कलर भी बहुत पसंद है। जी नहीं। अच्छा मैं रेडी हो रही हूँ, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूँ। किससे हो रही है चुप चुप के बातें, जरा मैं भी तो देखूं। अब रिदा मैं फोन वापस। अच्छा आप भी मुझे ऐसे ही तंग करते हैं, अब तो फोन सीधा अब्बू के पास जाएगा। विदा देखो फोन का मजाक मत करो, देखो मेरा फोन वापस दे दो। क्यों, आप ही मुझे अम्मी के सामने ऐसे ही फंसवाते, एक बार भी नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूं? आज मेरी बारी है और जनाब चाहते हैं कि बिना ही रिश्वत लिए उनको तो फोन वापस दे दूं। हम ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आहा, आज आया है ना उस पहाड़ के नीचे। अच्छा बाबा, मुझे तुम्हारी सारी सौतें मंजूर है, मेरा फोन वापस दे दो। दे दूंगी,
लेकिन इतनी क्या जल्दी है? अच्छा ये बताएं, कौन है वो लड़की जिससे ये छुप छुप कर बातें होती हैं? शर्मा क्यों रहे बहन, मैं आपकी बता दे मुझे। बता दो। हाँ ना बताएं। वो दरअसल ये है कि हाँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा ठंड रही थी ना, अब मजा आएगा। चलो सॉरी बोलो। अच्छा ना सॉरी। हाँ तक फोन दो, फोन दे, इन दो फोन दो, फोन दो, चार बस चार सॉरी छोड़ो। आइंदा मेरा फोन का मजाक किया ना तो मैं ना। अच्छा अच्छा ना सॉरी सॉरी, जाने देना भाई सॉरी। अच्छा सुनो, चलिए तो तुम वैसे भी जाओगी अपने ससुराल, हम सब कुछ छोड़कर। चलो रुलाएगी, देखा जाओ, देखो अम्मी को कुछ काम होगा। हाँ वो कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, मतलब तुम मेरा फोन भी नहीं उठाओगे? मोई का छोड़ा है तूने, फोन उठाएंगे? देखिए जावेद, दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना, भूल गया तू वो अपना बुरा वक्त? मैं ही था सिर्फ जो तेरे काम आया था, वरना तू आज भी करप्शन के केस में जेल में चक्की पीस रहा होता। मतलब उस एहसान का बदला चाहता है? मैं तुझसे एहसान का बदला नहीं मेरे भाई, मदद चाहता हूँ, और मेरे पास तेरे अलावा है ही कौन? जो तू इतनी आसानी से बोल रहा है ना, मेरे और तमसील के लिए इतना ही मुश्किल हो। देख मैं जानता हूँ रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले ना तो मंजिल बहुत आसान है। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन, तुम दोनों ने कुछ नहीं करना, तुम दोनों ने सिर्फ और सिर्फ पेपर साइन करने, बाकी सारे मामलात मैं हैंडल कर। और फिर जाहिर सी बात है कि उसे उस घर से जाना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उरूसा को हमारी तलाक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उरूसा को कुछ भी पता चले। जावेद मेरी उरूसा की जिंदगी तेरे हाथ। अच्छा अच्छा है यार, मुझे कंधे का टाइम दे, मैं सोच के बता दूँ। तूने जितना टाइम लेना ना उतना ले ले, लेकिन जवाब तेरा हाँ में होना चाहिए। रुखसाना ने बताया कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वक्त इतनी तेजी से मेरे खिलाफ हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उमर, तुम्हारा साथ, उरूसा की मोहब्बत, सब खो दिया मैंने। उमर तुम्हें पता है मेरी मौजूदगी से अरुषा का दम घुटने लगा है, और जब से मुझे ये पता चला है फिर मेरी ममता का दम घुटने लगा है। मैं अरुषा की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती। अभी तो उरूसा को ये नहीं पता कि हम डिवोर्स्ड। नहीं, उरूसा को ये पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत भी करें। तमसील, एक तरीका है जिसके जरिए तुम हमेशा उरूसा के साथ और मेरे साथ रह सकती। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
लेकिन अब तुम्हारी सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन का और कोई हल नहीं है। किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं हलाला करने की बात कर रहा हूँ।